जहां देवघर का पवित्र शिवगंगा सरोवर हमेशा से ही अपने गंदगी के कारण सुर्खियों में रहता है। हालांकि सावन और भादो महीने में इसकी बेहतर सफाई की गई थी और शिवगंगा सरोवर को काफी हद तक स्वच्छ कर लिया गया था, लेकिन दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के बाद शिवगंगा सरोवर एक बार फिर से मैला हो गया है। शिवगंगा को आस्था से जोड़कर देखा जाता है, ऐसे में पुरानी परंपरा रही है कि देवघर बाबा मंदिर और आसपास के क्षेत्र के पूजा पंडाल अपने मूर्ति का विसर्जन इसी शिवगंगा में करते हैं। ऐसे में यहाँ तीन दर्जन से अधिक पंडालों के मूर्ति विसर्जन किए गए, इसके बाद ये पूरी तरह से प्रदूषित हो गया। देवघर नगर निगम के द्वारा 2 सुपरवाइजर की निगरानी में 2 दर्जन से ज्यादा सफाई कर्मियों को इसकी सफाई के लिए लगाया गया है, लेकिन यहाँ इतनी संख्या में मूर्तियां मौजूद हैं कि पूर्ण रूप से इसे निकालने के लिए 2 से 3 दिनों का समय लग जाएगा। पुरानी और गहरी आस्था होने के कारण निगम के द्वारा मूर्ति विसर्जन पर रोक भी नहीं लगाई जा सकती है। हालांकि निगम द्वारा मूर्ति विसर्जन ना करने का आग्रह जरूर किया गया था, बावजूद काफी संख्या में मूर्तियां इसमें विसर्जन की गई थी। टेस्ट मिला है, कब तक साफ हो जाएगा, कैसे गंदा हुआ? मूर्ति विसर्जन के कारण हुआ, दुर्गा जी का प्रतिमा जो विसर्जित किए हैं उनमें हुआ है, और एक सप्ताह में क्लियर हो जाएगा। क्या आदेश क्या दिया गया है इसमें? शिवगंगा के जितना प्रतिमा विसर्जित किया गया है सबको निकाल के साफ। आयुक्त के आदेश अनुसार मिला है कि जल्दी से छठ पूजा समिति के ओर से मिला है कि जल्दी से इसको क्लियर करने के लिए, लेकिन ये दुर्गा पूजा लेके विसर्जनम हुआ है, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं, 2-3-4 दिन में क्लियर करा देंगे।